हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल और आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार आपके लिए हम केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर आए जो रासायन बलगित की अध्याय है। इस अध्याय में आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन की कैटेगरी है। टॉप 10 में हमको आपके लिए हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं पिछले कुछ अध्यायों के, और इस अध्याय में भी आपको टॉप 10 क्वेश्चन देंगे जिसमें अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे टाइप के प्रश्न हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आपको बस केवल इनको तैयार करना है और अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। तो इस तरह के पिछले पार्ट्स जो हैं वो पिछले अध्याय के पार्ट्स को आप देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट और केमिस्ट्री के वीडियोज की प्लेलिस्ट है, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और आपको हाई स्कूल इंटर संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा क्या कमी है और क्या दिक्कत है, अच्छा या बुरा कमेंट को जो भी इच्छा हो कर सकते हैं, क्योंकि एक कमेंट ही सब कुछ बताता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रश्न है इनको आपको तैयार करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, अर्धायुकाल से आप क्या समझते हैं, इसको आपको परिभाषा तैयार करना है और इसका इसको टी हाफ से भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन क्वेश्चन में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इन सभी जो चार क्वेश्चन दे रहे हैं बस छोटा छोटा है, आपको याद करना है क्योंकि इनमें से आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं प्रथम कोटि के क्रियक उदाहरण दीजिए, आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दूसरा 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में से आप देख लीजिएगा, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से आपको ये क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन है जो इसको ध्यान में रखना है, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 27 और 29 को आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको आप याद कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, बस आपको कमेंट करना है, हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और मिल जाएगी, बस आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों में फैलाना है। फेसबुक और व्हाट्सएप भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये है आपका, आप क्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए बेक स्थिरांक का मान मात्रक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बस और आने में बहुत ही आगे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम कोट की अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आपको व्यंजक और प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है अभिकारक इसका, ये सारी चीज़ें बताना है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, ये दो अंतर हैं अभिक्रिया और विक्तमिक कोटि में अंतर और अभिक्रिया वेग और स्थिरांक में अंतर, इनको अंतर को आपको तैयार करना है। इस अंतर से अगर आप ये ध्यान में रख सकते हैं, अगर ये अंतर आता है ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी अभिक्रिया वेग पर ही प्रश्न बन सकता है या वेग स्थिरांक पर भी प्रश्न बन सकता है, अभिक्रिया कोट पर भी प्रश्न बन सकता है। तो अगर ये अंतर याद किए रहेंगे तो इन क्वेश्चन को जैसे आपका अभिक्रिया वेग आता है तो इसको पूरा मिला करके आप लिख देंगे तो एक प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, और अगर आपका अभिक्रिया वेग आता है तो आप पूरा मिला के लिख देंगे तो एक प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो आप डिफरेंस याद रखेंगे लेकिन आपका इसका परिभाषा भी बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस तरह की जो भी है कुछ समय में कुछ चीज़ कुछ परसेंट आपका पूरा हो जाता है, क्रिया पूर्ण करने के लिए कुछ समय में इतने मिनट में आपको क्रिया इतने परसेंट पूर्ण हो जाती है, इस पर आपको न्यूमेरिकल हल कर लेना है ज़रूर, जैसे कि एक सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। उसके बाद अगला ये है न्यूमेरिकल, जैसे कि यहाँ पर है 60 मिनट में आपको 90% पूर्ण हो जाएगी, इसको आपको 100% याद कर लेना है क्योंकि इस तरह की पिछले भी पेपर्स में आया था और इस बार भी आने की संभावना है। उसके बाद आपको ये है, इसमें आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बारे में बताना है, तो वेग स्थिरांक के बारे में बताना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा कर देते हैं, ये आभासी आभासी का
आभासी एकाग्र जो अभिक्रिया होती है इसके बारे में ये है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन थे आपको, इसको आप पॉज करके करके आप वो टिक लगा सकते हैं अपने पुस्तक में होता है विद्या या आप कुछ भी आपका मटेरियल हो उसमें से आप, और नहीं तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसकी PDF की, और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और भला या बुरा कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमारे को हौसला मिल सके थोड़ा। और अगर वीडियो इस तरह की चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और हर सब्जेक्ट की वीडियो हम तत्पर रहेंगे लाने के लिए, हर रोज़ लाएंगे। और हाई स्कूल की चैप्टर वाइज मैथ की भी क्लास चालू कर दिए हैं, उसमें आपको हर चैप्टर की क्लास मिलती जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हिंदी और गणित सारी चीज़ें मिलेगी। तो वीडियो में अगर कुछ मिला हो तो ज़रूर जो इच्छा में है। ठीक है, तो वीडियो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, हर रोज़ वीडियो मिलती रहेगी, बस आपको चैनल पर स्टे रहना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।